पुणे की, जहां पुणे में प्रदूषण को रोकने और लोगों के स्वस्थ रहने के लिए आपला पुणे साइक्लोथोन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से पुणे में इस साइक्लोथोन का आयोजन हो रहा है और इस साल भी इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। साइक्लोथोन में 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 10 किलोमीटर का साइकिलिंग रखी गई थी। सुबह 4 बजे इस साइक्लोथोन की शुरुआत हुई और IPS कृष्ण प्रकाश ने झंडी दिखाकर साइक्लोथोन का को रवाना किया। कृष्ण प्रकाश की माने तो कोरोना के बाद दुनिया भर में स्वास्थ्य के बारे में जागृति पैदा हुई है और इस साइक्लोथोन के कारण शहर के प्रदूषण रोकने में बड़ी सहायता मिलती है। साइक्लोथोन आपला पुणे साइक्लोथोन अपने आप में अनूठा है। ये 2021 में जब कोरोना का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, उस वक्त एक विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना मैराथन की धरती पर, मैराथन की जिस तरह से किया जाता है उस तरह से साइक्लोथॉन किया जाए। मैराथन से केवल व्यक्ति स्वस्थ होता है, लेकिन इसमें ना सिर्फ व्यक्ति स्वस्थ होता है बल्कि हमारा वातावरण भी सुंदर और स्वच्छ रहता है। और इसी के साथ इस